और अभी जो है वो गंडोला रुक गंडोला गया है, रुक गया आई है, थिंक बिजली चली गई है नहीं शायद। बिजली, वेलकम बैक गाइस। अच्छा अभी हम सल्फर माउंटेन के टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट प्लान दायर भाई से पूछते हैं, अब नेक्स्ट प्लान क्या है दायर भाई, नेक्स्ट प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि हम यहाँ से हमने ले ली है टिकटें इसकी गांडोला की, राइट, और वो हम लेंगे। इससे पहले हम जाएंगे इसके टॉप के ऊपर, वहाँ पर बड़ा अच्छा इसका व्यू है, वहाँ कुछ फोटोज लेंगे एंड देन विल गो डाउन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस एज यू सी, हमने भी गंडोला पे सफ़र स्टार्ट कर दिया है और इंतहाई खूबसूरत ये जर्नी है। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इंतहाई खुश होंगे। क्या सीन्स हैं इस वीडियो के अंदर जो कि इस गंडोला से आप देख सकते हैं। लेकिन ये कि बहुत ही मजेदार जो है ना वो यहाँ से सीन है। गाइस थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं गंडोला के बारे में, कि जो आप गंडोला के अंदर जब आप सफ़र करते हैं तो ये टोटल सल्फर माउंटेन के टॉप से लेकर जो बॉटम तक है ये तकरीबन 8 मिनट की ये टोटल राइड है जो कि गंडोला के ज़रिए आप कर सकते हैं। और जो टोटल कैपेसिटी होती है गंडोला के अंदर पर्संस की वो 4 है, 4 बंदे बैठ सकते हैं इस गंडोला के अंदर। और जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है उससे ये मैंने देखा है कि टोटल जो गंडोलास हैं इधर वो हैं 40, 40 उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये एक घंटे के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर आलमोस्ट 650 पीपल जो हैं वो लेके जाते हैं गंडोला के ज़रिए, ऑन द टॉप या फिर ऑन द बॉटम डाउन। और जो तकरीबन ये लेंथ ऑफ ट्रैक है वो है आलमोस्ट 1560 मीटर्स। और जो गंडोला है ये इसकी जो स्पीड है वो होती है तकरीबन 3 मीटर पर सेकेंड, तो इस हिसाब से ये गंडोला चल रहा होता है। तो को बहुत ही खूबसूरत इसके सीन्स हैं। आप जब अपने लेफ़्ट राइट पे देखते हैं पूरा आपको बैम्फ सिटी नज़र आता है, माउंटेन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। और गंडोला पे आप जब सफ़र करते हैं तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है।